तो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम जंगल के और देख सकते हैं अपने भाई लोग भी साथ में। तो अभी जो भी है पान खाएंगे डंडनाटन स्टार्ट हो जाएगा उसका गारंटी। तो अलग भाई आपका डंडनाटन स्टार्ट होने वाला है, रेडी रहो पान खा के। हे गाइस सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्ते वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस मैं आज व्लॉग बनाने वाला हूँ हैदराबाद से औरंगाबाद जाने का व्लॉग, जो कि आपको व्लॉग में पूरा सफर बताऊंगा आपको औरंगाबाद कहाँ से जाना है, कैसा जा रहा हूँ और रास्ते में क्या क्या होता है। तो व्लॉग में देखते जाइए पूरा, लेट्स गो। ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ, मेरी ट्रेन है 6:50 को और यहाँ पे हो गए 5:45 और यहाँ से रेलवे स्टेशन का रास्ता 1 घंटे का है। और तो देखते हैं जल्दी व्लॉग में क्या क्या होता है। मेरा बैग पैकिंग बैग जो कि इंस्टाग्राम की तरफ से मुझे गिफ्ट आया था, तो मैं आज ट्रैवल में ये यूज़ करने वाला हूँ, ये बैग को यूज़ करने वाला हूँ ट्रैवल में। और देखते हैं फिर आगे आगे होता है क्या। गाइस मैं निकल चुका हूँ रेलवे स्टेशन को जाने के लिए, तो ऑन द वे हूँ और बताता रहूँगा आपको, अपडेट देता रहूँगा, आप भी देखते रहिए और पूरा व्लॉग देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है आगे चल के व्लॉग में। लेट्स गो। तो गाइस ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है और ऊपर से सिग्नल्स की वजह से और देर होती जा रही है। पता नहीं ये व्लॉग औरंगाबाद को जाने का बनता है या फिर वापस मेरे घर को जाने का बनता है, देखते जाओ बस आ जाए। पहुंच चुका हूं मैं रेलवे स्टेशन के बाहर में, देख सकते हैं आप मेरा स्टेशन का बाहर का साइड, तो मैं आपको चलते चलते बताता हूँ अंदर का भी साइड। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन पे, तो आपको बताता हूँ जल्दी जल्दी से जाते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। फाइनली जा रहा हूँ और देखना ये है कि ट्रेन है कहाँ पे। भाई इंफॉर्मेशन सेंटर नहीं, ये रही मेरी ट्रेन। बहुत देर हो चुकी है ढूंढते ढूंढते, तो ये रहा मेरा S5। और फाइनली मैं आ चुका हूँ मेरे ट्रेन में और मेरी सीट भी मिल चुकी है, सोचा कि आप लोग को भी अपडेट दे दे के हो चुका है सब, तो आगे का सफर देखते हैं कैसा है। तो हम साथ साथ हैं, चलो चलते हैं साथ। तो मेरा सफर स्टार्ट हो चुका है और ट्रेन निकल चुकी है। वो तो गाइस हम पहुँचे कामा रेड्डी अभी और यहाँ पे मैं मिलाऊंगा मेरे साथ के साथियों को। और ये है कामा रेड्डी सिकंदराबाद से, जहाँ से मैं बैठा हूँ वहाँ से 2 घंटे की दूरी पे पड़ता है ये स्टेशन। तो यहाँ पे आपको मेरे साथी लोगों से मिलाऊंगा, बस आते जाओ। सलाम वालेकुम अल्लाह भाई, कैसे हो? जबरदस्त साथ है हमारे साथ है। सलाम वालेकुम हमारे मॉडल, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भाई। तो भाई लोग साथ चलने वाले हैं, आगे का ब्लॉग कंटिन्यू कर, क्या करना है औरंगाबाद में? मौत डाल देंगे, मौत डाल देंगे, चलो फिर। तो गाइस आ गए थे अभी ट्रेन के अंदर अलभ भाई और हमारे सैफ भाई, तो अभी इंतजार करा है उमर भाई, तो आखिरी मैं इंतजार नहीं करा भाई, आखिरी आपके लिए कुछ लेने भी नहीं दिए ट्रेन भाई, आए जब से परेशान है सीट ढूंढने में। अरे नहीं मतलब क्या तुम्हारे सैफ भाई, दिख रहे ना अंधेरे में तुम भाई, ट्रेन आप कहे तो ट्रेन आपके नाम कर देंगे। क्या बात है, आप कहे तो
ट्रेन आपके नाम, ट्रेन आपके नाम कर देंगे। आगे की शायरी भूल चुका हूँ भाई। बिग बॉस के घर में आपका स्वागत है और बजे 8 बज रहे बज रहे रात के 12 और देख सकते हैं दोनों के आंखों में जरी बराबर भी नींद नहीं है। और बिग बॉस चाहते हैं आप दोनों सो जाए। बिग बॉस चाहते हैं आप दोनों सो जाए। और देख सकते हैं हमारे सामने सेक्शन में भी बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, सीरियस मीटिंग। और बिग बॉस ने इनको एक टास्क दिया तो वही उसी वाले में मीटिंग। ये बिग बॉस जा रहे हैं। ओ बिग बॉस कहाँ जा रहे हो? अरे बिग बॉस तो चले गए। और देख सकते हैं आप बिग बॉस का घर की हालत कैसी है। ओ शिट 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 क्या होगा ये। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे अरे तबा तबा ऐसा नहीं है, मरे नहीं जिंदा है, मतलब सो रहे हैं उन्होंने। सोने वालों को सोने दो, डिस्टर्ब मत करो। पैसे रखे थे वहां बैग में, बिग बॉस का बैग है वहां पे जो कि पैसे भरे हुए हैं। ऑडियंस को देना चाह रहे बिग बॉस। ये उमर भाई के वीडियो में मतलब जितने लोग कमेंट करेंगे कैसा है व्लॉग हुआ है तो करोगे वो पैसे चले गए। अब तो पक्का कोई कमेंट नहीं करने वाला। तो गाइस अभी हमें बिग बॉस के घर में और कुछ बोले ना बिग बॉस। बिग बॉस एक टास्क दिए हुए है, तुम पूरा घूम लेके आओ और सर्दी को कवर कर लेके आओ। और क्या बोले, कैपेसिटी क्या है? और क्या आप बोलो, आपको बोलो ना बिग बॉस आपको बोलो ना। टास्क कितना अच्छा, सुनो दोनों भी सुनो। बिग बॉस जो टास्क दिया हम टास्क को पूरा करते हैं, हम एक 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 डब्बे में जाके चेक करते हैं बिग बॉस के घर में आकर हो क्या रहा है। चलो गाइस देख सकते हैं आप बिग बॉस के घर में, तो अभी यहाँ पे सब सो रहे हैं और हम लोग जो है किसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं बट अभी चेक कर रहे हैं तो हो क्या रहा है। तो देख सकते हैं बिग बॉस के घर में अभी इन्हों भी फोन यूज कर रहे हैं। और भाई ये क्या है? बैग के जीप है। बैग के जीप है, अच्छा ये भी चलता मतलब। तो देख सकते हैं आप बिग बॉस के घर में ये पीले के भी आते हैं, लोग लुढ़क लेते चलते हैं। ओ भाई ठीक हो कहा फाइनली आ गए। फाइनली हम आ चुके हैं औरंगाबाद, अभी है रेलवे स्टेशन पे। औरंगाबाद और कश्मीर को लेके आया। सर्दी तो बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे टोटली सब जॉकेटों पे, और मैं ही एक हूँ जिसको सर्दी नहीं होती है क्योंकि ज़रा मैं गर्म गर्म पहन के रहता हूँ ना इसके लिए। तो ये है औरंगाबाद रेलवे स्टेशन और ये रहा हमारा बैग। क्या लव भाई कितने दिन की छुट्टी पे आए हो आप? शायद 5 days। ओके ओके क्या है भाई? आपका मार्क्स का है। गाइस फाइनली आ चुका हूँ मैं औरंगाबाद और ये हमारे रेहान भाई है और हमारे भाई और शाहरुख भाई यहाँ पे। तो आगे भाई लोग पिकअप करने के लिए तो निकलते हैं फिर औरंगाबाद के लिए। अभी तो जाके क्या करना है, अभी सोना है, नाश्ता करना है, अभी नाश्ता करना है तो नाश्ता करना है। तो चलो चलते हैं गाइस, आगे आगे देखते जाओ बस। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं औरंगाबाद और हमारे रेहान भी के फार्म हाउस पे रुके हुए, तो मैं आपको बताऊंगा फार्म हाउस कैसा है। ये है फार्म हाउस की सबसे मेन जगह, रेहान भाई के स्विमिंग पूल। करने वाले अभी अलाप भाई, अलाप भाई को ढकलने वाला हूं भाई। अलाप भाई स्वागत करते हैं आपको, ढकला जाएगा इसमें आपको, नहीं नहीं आपको ढकला जाएगा इसमें। रेहान भाई मस्त फार्म हाउस बना माशाल्लाह, जुलू में भाई फार्म हाउस नहीं बोल सकते इसको पूरा, जैसा आपने हैदराबाद में लियोनिया रिसोर्ट है पूरा बेहतरीन बने हुआ है यहाँ पर, रेंट डांस पूल वूल आखिरी पूरे चीजा बने हुए। तो बताते जाऊंगा मैं आपको पुल वुल क्या यहाँ खाली आई जैसे ये बंदा क्या कर रहा है, सिर्फ आई जैसे कितने डिग्री सर्दी है बस फोन खोल रहे हैं और डिग्री देख रहे हैं। अभी भी शायद वही होगा डिस्प्ले में डिग्री डिग्री डिग्री। तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हो आप सबको? गाइस अभी भी है गुड मॉर्निंग और टाइम हो रहा है 12 बजे गुड मॉर्निंग हो रही है और भाई लोग तो अभी तक सो रहे हैं। हेलो भाई। हाँ सो के भाई। तो भाई अभी जब से दम कर रहा हूँ उठाने के लिए तो उठने रहे, अभी भी आधी नींद में उठ के कहते भाई उठो ना भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो कहाँ है, उठ गए अनुपी झाँक रहे हैं, उठो भाई। तो गाइस चलो गुड मॉर्निंग तो हो गई, अभी फ्रेश व्रेश होके ब्रेकफास्ट करेंगे और
फिर बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। मैं पहले ही रेडी हो चुका हूँ और अभी निकल रहे थे हम थोड़ा सा घूमने, वैसे ही शूट भी कर लेंगे और आपको बताऊंगा कि देखो कैसा रेडी है हमारे साथ वाले सब। ओहो अच्छा तो देख सकते हैं पूरे एक से बड़े हीरो है माशाल्लाह। रेडी है, पूरे रेडी है, रेडी है। चलो चलते हैं फिर धूम मचाने के लिए और शूट मारने के लिए साथ में। आपको बताते जाएंगे शूट के लिए लोकेशन कौन सा चूज किया हमने, और यहाँ पे घोड़े को भी लाया गया है शूट के लिए, बहुत मजा आने वाली है। तो गाइस ये रहा अपना आज का शूट का लोकेशन डे वन, और ये रहा घोड़ा, और ये रहे रेहान भाई। बहुत जच रहे हो घोड़े पे। भाई लोग भी है साथ में। तो भाई कैसी है गर्मी यहाँ पर? गर्मी देखो, गर्मी की वजह से शर्ट उतर रही है। बहुत गर्मी है भाई। और यकीन मानो इतना मजा आ रहा है यार, बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आ रहा है। थे रेहान भाई के घर पे चाय पीने के लिए। रेहान भाई क्या बोलते हैं, यहाँ से कहाँ जाना है? औरंगाबाद सिटी जाना है। तो ये रहा रेहान भाई का घर, और ये रही यहाँ की खास चाय, स्पेशल चाय। और अलभ भाई, भाई सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक भाई, सुलेमान के लैंड पे, माजिद के लैंड पे। अच्छा सुलेमान, अभी 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 बात करेंगे, दो मिनट। तो गाइस भी चाय पीने के लिए साथ में चाय पियेंगे और बिस्किट खाएंगे और एंजॉय करेंगे, धूम मचाएंगे। तो गाइस फाइनली आज भी हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, और हम लोग निकले थे नाश्ता करने के लिए, तो नाश्ता भी कर लिए और दिल हो रहा था कि पान खाएंगे, तो पान खाने के लिए रुके। तो देखते हैं अपने साथ में अपने भाई लोग भी है, क्या बोलते भाई क्या हाल है? बस बस ठीक ठाक भाई, क्या हाल है भाई? अलहमदिल्ला मजे में। तो ये रहा हमारा पान शॉप। भाई कैसे हो? बढ़िया, बस अल्लाह का बड़ा करम है। क्या हाल चाल है? बढ़िया। कब से डब्बा है आपका? 1990 से। तो देख सकते हैं कि 90s का डब्बा भी आपको देखने को मिलेगा। जब से चला रहे डब्बा, भाई भी नहीं थे जब जब डब्बा था। अब आके संभाल ले रहे। आप कितने साल के? मैं 18 के। भाई तो भाई तो पैदा भी नहीं हुए थे जब जब से डब्बा है, और मैं खुद भी पैदा नहीं हुआ था। और ये जितने छोकरे दिख रहे अपने साथ में पूरे भाई, कोई भी पैदा नहीं हुए थे क्या भाई? तो भाई औरंगाबाद का स्पेशल पानो स्पेशल हाँ कलकत्ते में ही चाहिए। हाँ बनाएंगे, तो चलो देखते हैं भाई कैसा पान बनाते हैं। स्पेशल स्पेशल चाहिए। ये देखो भाई हमारा कलकत्ता पान है। ये कलकत्ता पान है आपका? अच्छा, थोड़ा जोर से बोलो ना। अभी इसमें हम थोड़ा शुगर मारेंगे। शुगर मारेंगे? अच्छा, ये हमारा झंकार। ये झंकार? झंकार झंकार क्या रहता है? ये सुगंध टाइप रहता है। अच्छा अच्छा, खाते से झनझनाहट आ जाती है। झनझनाहट आ जाती है इसे खाने से? ओहो वाह, ये हमारी दिल बाहर है।
दिल बाबा की। अच्छा ये अच्छे बाबा है। अच्छे बाबा है मतलब अच्छा दुआ पढ़ते। अच्छा अच्छा अब खायसा वाले भी दुआ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे पानी। तो देख सकते हैं भाई क्या पान देखने के लिए या खाने के लिए। भाई खाने के लिए या देखने के लिए इतने लोग आए। खाने के लिए इतने लोग आए हैं और माशाल्लाह हमारे मॉडल भी है। मॉडल भाई ये क्या है? सौंफ। सौंफ हाँ हाँ सौंफ। सौंफ ये हमारी सल्ली सुपारी। सल्ली सुपारी ओहो। तो भी जो भी है पान खाएंगे टंटनाटन स्टार्ट हो जाएगा उसका गारंटी। तो अलफ भाई आपका टंटनाटन स्टार्ट होने वाला है। रेडी रहो पान। खजूर हाँ खजूर रात रानी चटनी। भाई रात रानी चटनी भी आपके पान में। भाई वो रात रानी है तो आप दिन के राजा हो तो पान अच्छा जमेगा ना। क्या बोलते भाई सही बोला मैं गलत बोला? अरे अलग भाई परेशान हो रहे पान को देख के। भाई इनके सब का पान बनाने दो ना भाई कुछ भी डालने नहीं दे रहे आप स्पेशल बना। नहीं 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 छालिया लगा। भाई ये खाते की खाली छना ना 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 बोला है। तो देख सकते हैं अभी दो मिनट से सिर्फ पान बन ही रहा है। स्पेशल पान है स्पेशल 1990 से है ना तो इसलिए तो पान रेडी रहो आप। टन टनाटन काम करने वाला है पान खा के। ओके सैफ जी भाई क्या हुआ? तुम तो बहुत खुश हो रहे हो पान का नाम सुन के खुश हो रहे हो। वैसी बात नहीं भाई पान का मजा। मुझे तो लगता है तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यार समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ समझ रहे हो ना समझ रहे हो ना भाई तुम भी समझ रहे हो ना। भाई आपके प्यारे प्यारे हाथों से उनके मुंह में डालो पान। गलत फैमिली नक्को पालो। भाई हाथ से खिलाओ बोले था ना भाई। भाई हाथ थोड़ा नजदीक आ जा सकते हैं उनको तकलीफ दे रहे हैं आप। तो देख सकते हैं आप पान। अरे 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 कहाँ जा रहे हो भाई? वहाँ पीछे पलट के डाल दिया पानी देता हूँ मैं। वाह क्या होना भाई टन टनाटन पैदा होना कहते इनको पान का देख रहे। तो चलो भाई मेरा पान गए तो मेरा पान मेरे हिसाब से बनाने लगा हाँ हैदराबादी पान बनाने लगा ना। अभी इसमें क्या डालो आप? हाँ। बाबा डालो। बाबा डालो हाँ। और इसको अच्छे से मिक्स कर दो और इसमें मीठे मीठे पाउडर मत डालो जिससे पान मीठा होता वो पाउडर मत डालो। उसमें केसर डाल दो और 120 जर्दा डाल दो और बुनी हुई छालिया डाल दो। शाम में अपन फायर पान खाएंगे पक्का पक्का। खजूर डाल इसमें? खजूर नहीं चाहिए नहीं मीठे से नफरत है। अरे भाई सभी में मीठे से नफरत है। अभी वहाँ 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 से क्या डाल रहे गुलकंद आ रहे नक्को डालो नहीं सुपारी। सुपारी क्या है क्या होता उससे? कतरी सुपारी। थोड़ी सी डाल दो थोड़ी सी डाल दो स्वाद अनुसार। स्वाद अनुसार के तौर पे हम थोड़ा सा चख भी लेंगे। तो हम थोड़ी सी बात करते हैं। सूप वगैरह कुछ नहीं केसर है तो कोई पाउडर मार दो नॉर्मल वाला बेलगम या कुछ उसको मिक्स करना था। मिक्स कर दो ना। वेरी गुड। तो गाइस देख सकते हैं मेरा पान रेडी हो चुका है तो मैं भी पान डाल लूंगा और पान डाल के हम निकल जाएंगे नूर भाई बन के। क्या भाई तो चलो भाई भाई खिला देते मेरे हाथों से। तो देख सकते हैं भाई हाथों से पान खिला रहे हैं माशाल्लाह। तो अभी बारी है नूर भाई बनने की तो हम नूर भाई बन के पान डाल लेंगे। तो आगे आगे देखते जाओ ब्लॉग। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम जंगल के ओर और देख सकते हैं अपने भाई लोग भी साथ में। और अभी बारी है घोड़ा चलाने की तो घोड़ा भी चलाएंगे।
और रेहान भाई क्या बोलते हैं? लड़कियां देखना है मेरे को। हमारे में बिंदास चलो जा जाने का चलो। अरे तुम नहीं चला सकते भाई, तुम बैठे बैठे गिर जाते हो, भागेगा तो कैसा। आने वाली है पिक्चर तो उसमें उमर भाई का रोल रहेगा, तो इस वजह से डायरेक्टर साहब हमारे बहुत ही मशहूर रेहान भाई जो डायरेक्टर साहब है, इन्होंने कहा कि शर्ट निकाल दो, तो फिर हमारे जो एक्टर उमर भाई है शर्ट निकाल दिए। अब आगे का सीन जो है हमारे डायरेक्टर we'll be right back.